नमस्कार दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसी स्टॉक्स पर फोकस करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अच्छे स्टॉक्स हैं और साथ ही में उनका टेक्निकल चार्ट सेटअप भी पॉजिटिव है। दोस्तों, मैं हूँ सुची रूंगटा और आज इस वीडियो पर हम मुकेश अंबानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम स्टॉकेज के पेज पर जाएं और यहाँ पर अगर हम बिजनेस हाउस क्लिक करते हैं तो मुकेश अंबानी ग्रुप में जैसा कि हम देख सकते हैं कि 8 स्टॉक है। ये 8 स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सॉर्टेड है। दोस्तों, अगर हम इसको आरओई के हिसाब से क्लिक करें तो हर एक स्टॉक का आरओई यहाँ पे डिपिक्ट हो जाता है। दोस्तों, आरओई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एक स्टॉक के, एक शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि ये हमको ये बताता है कि एक कंपनी कितनी एफिशिएंसी के साथ अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा बना रही है, वो आरओई डिपिक्ट कर रहा है। तो जिस स्टॉक का आरओई जितना ऊपर रहेगा, जितना हाई रहेगा, उतना उस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें मुकेश अंबानी ग्रुप के अंदर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, नेटवर्क 18 और डेन नेटवर्क, ये 4 टॉप 4 कंपनीज है जिसका आरओई सबसे हाईएस्ट है। तो ये स्टॉक्स पर डेफिनेटली हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इन स्टॉक्स पे अगर मैं स्कैन्स पे क्लिक करूं तो एक क्विक स्नैपशॉट, फंडामेंटल और टेक्निकल स्नैपशॉट हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पैरामीटर ये फुलफिल कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट आरओई नेटवर्क 18 का था दोस्तों, तो नेटवर्क 18 पे हम देख सकते हैं कि इस स्टॉक में इस मंथ में हाई डिलीवरी भी हुआ है। ये अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है और इसका आरएस, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, भी काफी पॉजिटिव है। फंडामेंटल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो नेटवर्क 18 का आरओई कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, एबिटा और पैट भी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। तो अगर हम स्टॉक्स का चार्ट सेटअप पे चलते हैं दोस्तों, तो नेटवर्क 18 को अगर हम टाइप करें और इसका चार्ट सेटअप देखें तो दोस्तों यहाँ पे ये डेली चार्ट है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल दिया है। इस स्टॉक का ये ब्रेकआउट लेवल है और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक पे हाई वॉल्यूम हो रहा है। तो इस स्टॉक को हम मीडियम टर्म के व्यू से डेफिनेटली देख सकते हैं और इसका सपोर्ट लेवल होगा अप्रोक्सीमेटली 48.5, ये इसका सपोर्ट है। और अगर हम इसका रेजिस्टेंस मार्क करें तो 58.10, 58.1, 58 रुपीज राउंड नंबर पे ये इसका रेजिस्टेंस है। एक बार ये स्टॉक 58 रुपीज का लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें हम फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं। दूसरी स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है जिसका हाई आरओई था वो था TV18। तो TV18 भी फंडामेंटली काफी पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों। आरओई कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी पॉजिटिव है, एबिटा और पैट प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और सेल्स परसेंटेज भी बढ़ रही है। मुकेश अंबानी ग्रुप का इंटरेस्टिंग पोर्शन ये है कि सारे ही स्टॉक्स जीरो प्लेज में है, मतलब कोई भी स्टॉक्स प्रमोटर ने प्लेज नहीं कर रखा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम TV18 देखें तो इसमें स्टॉक में हाई डिलीवरी देख सकते हैं, स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और ये अपने 2 ईयर हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। TV18 का अगर लेवल्स हम लोग देखें दोस्तों और चार्ट सेटअप देखें तो वीकली चार्ट एक बार देखते हैं कि वीकली चार्ट हम लोग को क्या बता रहे हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो TV18 एक वीकली ब्रेकआउट दिया है अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो यहाँ पे था। वीकली ट्रेंड जो 2018 से चल रहा है वो यहाँ पे 24 मई को एक वीकली ब्रेकआउट दिया और ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न ब्रेकआउट दिया। वीकली पे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है और ब्रेकआउट
वॉल्यूम से सपोर्ट हो रहा है। सो डेफिनेटली एक मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक काफी पॉजिटिव रहेगा। इसका ब्रेकआउट लेवल नीचे की तरफ 40.5 था, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बन जाता है, और ऊपर में 48.5 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। हाउएवर अगर हम ये पैटर्न का बड़ा टारगेट निकालें तो इस स्टॉक का मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म टारगेट काफी ऊंचा दिखता है हमें, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स हम देख रहे हैं दोस्तों। तो वीकली चार्ट्स पे हमको अप्रोक्सीमेटली 68 से 70 रुपीस का टारगेट दिख रहा है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ये कोई इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, ये एक सिंपल स्टॉक का व्यू है बेस्ड ऑन चार्ट। तो मीडियम टर्म व्यू से ये 68 टू 70 रुपीस का टारगेट टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में हम देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज फंडामेंटली हम लोग को कोई डाउट नहीं है कंपनी क्या है। सीधा टेक्निकल्स पे चलते हैं तो हमने ये चीज पहले भी डिस्कस किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वीकली चार्ट पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है। द लॉन्ग टर्म जो इसका चार्ट सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। वॉल्यूम फॉर्मेशन जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो काफी सपोर्टिव है। डेली चार्ट पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली अभी कुछ कंसोलिडेशन फेज पे है मार्केट का वोलेटिलिटी को देखते हुए, लेकिन इस फॉलिंग मार्केट में भी रिलायंस ने पिछले पूरे हफ्ते मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। रिलायंस का इमीडिएट सपोर्ट दोस्तों 2170 है और रेजिस्टेंस 2270 पे हम देख सकते हैं। 2170 पे इसका सपोर्ट रहेगा और 2180 जो ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है 2280 ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू, धन्यवाद।